Hello students, good afternoon. I am here with a very important topic, that is determiner. आज हम लोग determiner के बारे में पढ़ेंगे. आई होप आप लोग खुश हैं और घर में हैं. स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए और अच्छे से अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, ताकि हम लोग जो है किसी भी तरह का कन्फ्यूजन अपने दिमाग में ना रखें. तो मेरे क्लास में कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. आइए देखते हैं हम लोग डिटरमाइनर. डिटरमाइनर्स पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि डिटरमाइनर्स वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है. डिटरमाइनर का वर्ड का मतलब होता है डिटरमाइन से ये बना है. डिटरमाइन एक वर्ब है जिससे एक नाउन बना है, डिटरमाइनर. डिटरमाइनर्स जो है जैसे हम लोग बोलते हैं डिटरमाइन करना. डिटरमाइन करना मतलब आई हैव डिटरमाइंड टू बिकम अ डॉक्टर. मैंने जो है संकल्प लिया है, मैंने फिक्स किया कि मैं एक डॉक्टर बनने वाला हूँ. तो वो सारी चीज़ें, वो सारे वर्ड जो चीज़ों को फिक्स करते हैं, किसको फिक्स करेंगे, किसको क्लेरिफाई करेंगे, अपने एम को. यहाँ पर नाउन, यानी जब हम इंग्लिश ग्रामर में हम लोग डिटरमाइनर पढ़ते हैं तो डिटरमाइनर वो सारे वर्ड्स होते हैं जो किसी एक नाउन के पहले आते हैं और उसके मीनिंग्स को फिक्स करते हैं, क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है. तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a word that comes before a noun and fixes its meaning. यानी कि determiner क्या हो गया, एक word हो गया जो noun के पहले आता है. याद रखिए पोजीशन नाउन के पहले आता है और इसके मीनिंग को फिक्स करता है, यानी इसके मतलब को, इसके मीनिंग को, इसके एम को फिक्स करता है, ठीक है. कैसे करता है हम लोग देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल अ पेन, सम वाटर, मैनी पीपल, एटीसी. फिर देखिए यहाँ कुछ, ये सारे नाउन हैं, ये नाउन है. पेन सबको मालूम है, कॉमन नाउन है. वाटर एक मटेरियल नाउन है. पीपल आप मान सकते हैं ये एक कॉमन नाउन है, या प्लूरल में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है. उसके बाद नाउन के पहले जो वर्ड्स यूज़ किए गए लाइक ए या अ, सम और मैनी, ये सारे वर्ड्स जो है जो नाउन के पहले आ रहे हैं उन सारे वर्ड्स को हम लोग डिटरमाइनर्स बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ों, ये नाउन्स को फिक्स कर रहे हैं. अ पेन, हाउ मेनी पेन, अ पेन एक पेन है, सिंगल पेन, ठीक है. यानी नाउन के मीनिंग को जो है फिक्स कर रहा है. नाउन है कितने, पेन है कितने, यानी वन पेन है. सम वाटर, हम लोग सम का भी यूज हम लोग सीखेंगे. सम है, बहुत सारे और भी वर्ड्स आएंगे. सम आएंगे, लिटिल आएंगे, फ्यू आएंगे, फिर लिटिल के और दो वर्ड्स और आएंगे, अ लिटिल, द लिटिल. फ्यू के भी और दो वर्ड्स आएंगे, अ फ्यू, द फ्यू. मैनी आएंगे, मच आएंगे. ये सारे वर्ड्स हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद यूसेज हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे. तो हम लोग को ये समझना जरूरी है कि डिटरमाइनर्स एक्चुअली होता क्या है और इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका फंक्शन क्या होता है. तो सबसे पहले आप देख लीजिए, डिटरमाइनर जो होते हैं वो चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, फिक्स करते हैं, यानी आपको बताते हैं कि यहाँ जो नाउन है वो इतना ही है, या फिर या जो है इतना वो हो सकता है, या तो वो क्वांटिटी में होंगे, क्वांटिटी अगर आप आती, या तो आप गिन सकते हैं, या फिर दो तरह की क्वांटिटी हो सकते हैं, या तो वो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा. तो हम लोग यहाँ पे जो है डिटरमाइनर्स के बारे में जाने. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो चार तरह से कैटेगराइज किया गया है. डिटरमाइनर्स एक्चुअली एक तरह का एडजेक्टिव ही है, लेकिन डिटरमाइनर्स इंग्लिश ग्रामर में एक अलग चैप्टर होता है जिसको हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं. तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो चार तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं. काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर, काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स में सबसे पहले आप देखिए आर्टिकल्स है. दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है. थर्ड वन है आपका पोजेसिव, और नंबर फोर यानी लास्ट है आपका क्वांटिफायर्स.
ठीक है, तो ये चार काइंड्स हैं आपके डिटरमाइनर्स के, जिसको मैं आपको अभी बताऊंगा और आगे की वीडियो में इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके यूसेज क्या हैं। तो हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानते हो, आर्टिकल्स में हम लोग तीन ए एन और द, अ एन और द, और एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जबकि द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन जो है हम लोग यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन्स के लिए, ठीक है, सिंगुलर नंबर्स के लिए, और द यूज़ होता है हम लोग के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ों को बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लाइक दो, मैंने आपको दो एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे अ बॉय और द बॉय। अगर कोई आपसे पूछते हैं कि अ बॉय और द बॉय में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कि अ बॉय का मतलब होता है ऐसा लड़का जिसको मैं पहचानता नहीं हूँ, ठीक है, और द बॉय का मतलब होता है वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ वो लड़का मेरे पहचान का है। तो ये एक सिंपल जो है आपका एक डिफरेंस आप बता सकते हैं। उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है डेमोस्ट्रेट करना, किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, इंडिकेट करना। डेमोस्ट्रेटिव ये एडजेक्टिव ही है, डेमोस्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स बात करें या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें, वो एक ही बात है। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि हम चीज़ों को, जैसे दिस इज दिस पेन, दिस इज अ पेन, हम चीज़ों को इंडिकेट कर रहे हैं। तो डेमोस्ट्रेटिव में हम लोग चार वर्ड पढ़ेंगे, दिस, दैट, दिस और दोज। यानी दिस का प्लूरल होता है दिस और दैट का प्लूरल है दोज। तो ये चार हम लोग पढ़ते हैं डेमोस्ट्रेटिव में। अब आते हैं पोजेसिव में। पोजेसिव का मतलब जो है, पोजेसिव वर्ड जो है पोजेस से बना है। पोजेस का मतलब होता है किसी चीज़ को ओन करना, किसी को अपने अधिकार में लाना, ठीक है। जैसे दिस इज माई पेन, ठीक है, माई पेन तो मेरी पेन है, ही इज हर ब्रदर, या ही इज सी इज हर सिस्टर। तो यहाँ हर और हीज जो है वो एक तरह का पोजेशन बता रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजेसिव डिटरमाइनर, ठीक है। हीज, माइन, हर। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो है वो क्वांटिटी मॉडिफायर्स होते हैं। क्वांटिटी मॉडिफायर्स, जैसे बोलने का मतलब, क्वांटिटी जो होते हैं वो दो तरह से आपके बताए जाते हैं, एक जो होते हैं जो काउंटेबल होते हैं और दूसरे जो होते हैं नॉन अनकाउंटेबल होते हैं। तो क्वांटिफायर्स को भी आगे एक कैटेगरी बनाया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में आगे इसको और दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले को बोलते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल, ऑर्डिनल नंबर, आई होप आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे लोअर क्लासेस में। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है जब हम एग्जैक्ट कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 1, 2, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है जब ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है, इसको हम याद रखने का ट्रिक है, कार्डिनल का मतलब 1, 2 समझ जाइए, और ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर। ऑर्डर कैसे बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रैंक। ऑर्डिनल मीन्स रैंक। तो लाइक फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है। तो आई होप आपको डिटरमाइनर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे के वीडियो में हम इसके कुछ और वर्ड्स के यूजेस को सीखेंगे, तब तक आप वीडियो को देखिए, समझिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।